सुरोर साज के कदरदान हाजरीन, आप सबको मेरा सलाम सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या तबला और ताल रबाब बजाने वाले के लिए सीखना ज़रूरी है? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप तबला सीख सकते हैं तबला ज़रूर सीखें। अगर आप तबला नहीं सीख सकते तो ताल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताल आपको सीखना चाहिए, तभी जाकर आपकी लय और ताल के बाबत जो भी मुश्किलात हैं वो सही हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे मुख्तलिफ ताले हैं जिनमें हम कंपोजिशंस बजाते हैं, उनको सीखना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो लय है वो पक्की होगी। हमारे जहन में अगर ताल चलेगी, लय चलेगी, तब ही हम कंपोजिशंस को अच्छे से निभा सकते हैं। क्योंकि बनाने वाले ने तो कंपोजिशन बना दी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी कंपोजिशन को अच्छे से निभाएं, उसको गलत ना बजाएं। इसके लिए ताल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़्यादातर हम जो तालें अपने बजाने में यूज़ करते हैं वो है दादरा, कहरवा, तीन ताल, एक ताल और झप ताल। मैंने इन्हीं तालों में ज़्यादातर रबाब की कंपोजिशन सुनी है। झप ताल में तो अभी तक मैंने बहुत कम सुना है, एक ताल तीन ताल ज़्यादा। कहरवा दादरा में तो गाने वगैरह बजाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा तालों की नॉलेज इकट्ठी करनी है और उनमें कंपोजिशंस को सीखना है, तो उसके लिए ताल के बारे में सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे तीन ताल के बारे में। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि तीन ताल का रियाज़ आप कैसे करें। जो लोग तबला नहीं बजाते और जो तबला बजाते हैं, दोनों लोगों के लिए ये चीज़ है। इस रियाज़ को करने से आपके जहन में तीन ताल इतनी बैठ जाएगी कि कोई भी कंपोजिशन हो उसमें ताने वगैरह सब आसानी से आप बजा सकेंगे। तो आज मैं आपको तीन ताल सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अब आपको तीन ताल में कंपोजिशंस भी करवानी है। तो लेसन को खूब ध्यान से देखना, सीखना और इसका रियाज़ करना, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ताल है क्या चीज़, ताल किसे कहते हैं। दोस्तों, संगीत में मेन चीज़ ही ताल है। जिस तरह हमारे शरीर में दिल एक लय में चलता है ना, अगर दिल बंद हो जाए तो हमारा शरीर मिट्टी है, उसी तरह संगीत भी, चाहे वो गाना है, बजाना है या नाचना है, अगर ताल ही नहीं है उसमें तो वो सारा संगीत बिल्कुल ख़त्म है, रसहीन है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि हमारे शरीर की तरह वो भी मिट्टी है। दोस्तों, संगीत दर्पण में दामोदर लिखते हैं धा धिन तक ता तिन आदि, ये जो बोल हैं, इन सभी बोलों से समय की चाल या गति, या हम टेम्पो भी कहते हैं, जो समय की चाल है उसको छंद या पदों में तकसीम करने के जो प्रयोग हुए हैं उनको हम ताल कहते हैं। इसी तरह संगीत रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि ताल वो है जिसमें गाना बजाना और नाचना तरतीब में रहते हैं या स्थिर रहते हैं, यानी कि पुरसुकून रहते हैं। इसी तरह भरत मुनि लिखते हैं कि संगीत में काल को मापने के साधन को ताल कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक स्पीड में जितना टाइम लगता है उसको मापना, यानी कि साइकिल को मापने को हम ताल कहते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं तीन ताल की, क्योंकि हम आज तीन ताल कर रहे हैं। दोस्तों, तीन ताल 16 मात्रा की ताल है, यानी कि 16 बीट्स, 16 बीट्स हैं इसमें। हम 16 मात्रों को चार चार मात्रा के चार भागों में तकसीम करते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, मैंने बनाकर डाला है। आप अच्छे से देख लें कि कैसे 16 मात्रा के चार चार भाग हमने तकसीम किए हैं। पहला भाग भी चार मात्रा का है, एक से चार, फिर पाँच से लेकर आठ तक, फिर नौ से बारह तक, फिर तेरह से सोलह तक। चार चार मात्रा हमने 16 को तकसीम कर दिया चार भागों में। अब मैं आपको ताल के निशान बताता हूँ। दोस्तों, पहला निशान जो है वो है क्रॉस का निशान या काटा। यह निशान हमेशा ताल की पहली मात्रा पर होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर सम है, यहाँ से शुरुआत होती है। और जब भी 16 मात्रा पूरी करके दोबारा पहली मात्रा पर आते हैं तो उस पर वज़न दिया जाता है,
उसको सम का निशान कहते हैं या सम कहते हैं कि यहाँ पर ये सम है इस ताल का, यहाँ पर ताली लगाई जाती है। जब भी हम हाथों पे ताल सीखते हैं यहाँ पर ताली लगाई जाती है। दूसरा निशान है ज़ीरो का यानी कि सिफर का, इसको हम खाली कहते हैं। ज़्यादातर कंपोजिशंस का जो मुखड़ा होता है वो खाली से शुरू होता है। ये समझने की बात है, इन निशानों से हमारा जो समझना होता है ना, कंपोजिशन सिस्टम को समझना होता है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि जहाँ पर ये ज़ीरो का निशान हो वो खाली माना जाता है। जैसे वो पहला जो था क्रॉस का सम का निशान था उसको हमने ताली कहा था, तो ये है खाली। तीसरा जो निशान है, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये जो चीज़ें हैं, ये नंबर लिखा हो मात्रा के ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पर सम के बाद दूसरी, तीसरी या चौथी ताली आएगी। यानी कि अगर दो नंबर लिखा है तो मानना चाहिए कि सम के बाद यहाँ पर दूसरी ताली है। तीन नंबर आएगा वहाँ पर सम के बाद दूसरी, फिर तीसरी ताली जहाँ पर होगी वहाँ पर तीन नंबर लिखा हुआ होगा। यानी कि इन मात्राओं के ऊपर भी वज़न होगा। और ये जो निशान है, जब हम ताल की तकसीम करते हैं तो हर भाग की जो पहली मात्रा होती है ना, जैसे दूसरे भाग की पहली मात्रा है पाँच नंबर, पाँचवीं मात्रा से दूसरा भाग शुरू हो रहा है, तो ये जो निशान है ना, ये हरेक भाग की पहली मात्रा पर होते हैं। यानी कि पहला सम का निशान होगा पहली मात्रा पर, फिर हमारा दूसरा भाग शुरू हो रहा है पाँचवीं मात्रा पर, फिर दूसरा निशान आएगा पाँचवीं पर, तीसरा हमारा भाग शुरू हो रहा है नौवीं मात्रा से, तीसरा निशान आएगा नौवीं मात्रा के ऊपर, फिर हमारा चौथा भाग शुरू हो रहा है तेरहवीं मात्रा से, सो चौथा निशान आएगा तेरहवीं मात्रा पर। तो आइए अब तीन ताल के निशान लगाते हैं। 16 मात्राओं को हमने सबसे पहले चार भागों में तकसीम कर लिया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपने नोटबुक के ऊपर इसी तरह लिखना है। चार भाग बना के सारे जो भाग हैं वो बराबर बराबर बनेंगे, इसी तरह चार बन जाएंगे, उसमें इसी तरह आपने 16 मात्राएं लिख लेनी है। अब पहली मात्रा के ऊपर हमने सम का निशान लगाना है, यानी कि क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ पर सम है, इस तरह आपने लगा देना है जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है ताल का, यानी कि पाँचवीं मात्रा से जो शुरू हो रहा है दूसरा भाग, पाँचवीं मात्रा पर हमने दो का निशान लगाना है। छोटा लिखना है, पाँच के बराबर बड़ा नहीं लिखना है, नहीं तो वो मात्रा में कन्फ्यूजन हो जाए। आपने पाँच के ऊपर छोटा सा दो लिखना है, बस दिख जाए कि यहाँ पर दूसरा ताली है, निशान लगा है। इसका मतलब है यहाँ पर दूसरी ताली बजेगी, सम के बाद दूसरी ताली, पहली ताली सम पर हम बजाएंगे, दूसरी ताली यहाँ पर बजाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। नौवीं मात्रा पर जीरो का निशान आएगा, यानी कि सिफर। इस निशान का मतलब है यहाँ पर खाली है। आपने इसी तरह लिखना है जैसे कि स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर जीरो लगा लेनी है, आपने नौवीं मात्रा के ऊपर जीरो का निशान लगा देना है। अब बात करते हैं चौथे भाग की। चौथे भाग में तेरहवीं मात्रा पर हमने तीन का निशान लगाना है, छोटा सा तीन का निशान तेरहवीं मात्रा के ऊपर लगाना है। इसका मतलब है सम के बाद यहाँ पर तीसरी ताली आएगी, सम के बाद पहले सम पर ताली आएगी, फिर दूसरी ताली आएगी पाँचवीं मात्रा पर, और यहाँ पर तीसरी ताली आएगी और वज़न भी आएगा। तो दोस्तों, हमारी तीन ताल की हमने 16 मात्राओं के चार भाग और चारों भागों के ऊपर निशान इस तरह लिखने हैं जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। सेम टू सेम आपने इसी तरह लिखने हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे हमने करने हैं तीन ताल के बोल, हाथों के ऊपर कैसे ताली खाली बजती है और उसका रियाज किस तरह हमने करना है ताकि हमारी तीन ताल में पकड़ अच्छी बन जाए। जब आपकी तीन ताल में पकड़ अच्छी होगी तो आप कंपोजिशन को आसानी से बजा सकेंगे। फिर कंपोजिशन के अंदर जो हम अलाप बजाते हैं, लयकारी करते हैं, तान वगैरह बजाते हैं, वो भी आप आसानी से बजा सकेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि ना, जब आपके जहन में तीन ताल चलती रहती है ना, चलती रहती है, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, तिर दिन दिन ना, दा दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, फिर ऐसा होता है कि स्टेज पर अपने आप चीज़ें जो आपने रियाज किया होता है ना, वो उपज बसती है। यानी कि आपको कोई भी चीज़
याद करने की, फिक्स करने की यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका रियाज बस फिर वहाँ पर स्टेज पर बोलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तीन ताल में अलाप, तान वगैरह आप आसानी से बजा पाएंगे और लयकारी भी कर सकेंगे। तो दूसरे पार्ट में हम तीन ताल के बोल और उसका हाथों पर ठा और दुगन की लय में रियाज करेंगे। एक गुन में भी रियाज करेंगे और दुगन में भी रियाज करेंगे। आपने ये दोनों लेसन स्किप नहीं करने हैं, पूरे वीडियो देखकर इसका बहुत सारा रियाज करना है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप खूब रियाज करें और खुश रहें।